आज हमारी जो फर्स्ट लैब है माइक्रोबायोलॉजी की, जो फर्स्ट लैब होगी उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपके पास शेयर हो रही है और दिस इज एडवांस माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हमें लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। ठीक है, और ज्यादातर हम बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम देखने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप यूज कैसे करते हैं? हमें इसको यूज करने के लिए जो है एक छोटी सी स्लाइड मिलती है। स्लाइड पर हम अपना ऑर्गेनिज्म जो है अच्छी तरह से, जो उसके मेथड है उस मेथड को फॉलो करते हुए ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्लास स्लाइड पे हमें जो है इनोकुलेट करना होता है। और फिर जो है हम उसको उस ग्लास स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में जो है फिक्स करते हैं। देन हम उसको जो है डिफरेंट लेंसेस के थ्रू उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका माइक्रोस्कोप था। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। प्लस जब ये तो माइक्रोस्कोप था, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे डिटेल में। लेकिन असल जो माइक्रो लैब होती है उसमें जब आप एंटर होते हैं तो कुछ रूल्स हैं माइक्रो लैब के जो कि आपको लाजमी फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो वो क्या रूल्स हैं? जब भी आप माइक्रोबायोलॉजी कुछ रूल्स या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस कर ली जाए कि जब भी आप माइक्रो लैब में आते हैं तो फिर आपके पास लैब कोट होना चाहिए। ठीक है, लैब कोट होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे आप बैग्स वगैरह होते हैं आपके पास, तो वो सब आप बेंच टॉप से रिमूव कर देंगे। जब भी आपकी परफॉर्मेंस होना शुरू हो जाएगी तो आप बैग्स वगैरह रिमूव करेंगे, एक साइड पे रख देंगे। इट्स बिकॉज क्योंकि दूसरी चीजों से जो है आप जिस टेबल पे या जिस बेंच पर आप काम कर रहे हो वहां पर आपकी दूसरी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो वो उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो सकती है। दूसरा, ये हमेशा आप लैब कोट पहनेंगे ताकि जो है आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, अपने स्किन की, अपने कपड़ों की प्रोटेक्शन कर सकें। इसके अलावा जब भी माइक्रोबायोलॉजी लैब स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, बर्नर चला देते हैं। ठीक है, फ्लेम के आगे काम करते हैं और जो डिफरेंट कंटेमिनेशन से बचने के लिए हम लैब के जो है डोर्स, विंडोज वगैरह क्लोज कर दें ताकि जो है कोई कंटेमिनेशन ना हो सके। जब भी लैब परफॉर्म करेंगे आपने हैंड वॉश करने हैं आफ्टर एंड बिफोर वर्किंग इन द लेबोरेटरी। ठीक है, उसके अलावा जब आप कोई भी काम परफॉर्म करते हो तो फिर क्या करोगे कि जिस टॉप पर आप कर रहे हो, जिस टेबल पे आपका काम हो रहा है वहां पर आपने अल्कोहल से उस सरफेस को क्लीन करना है। तो अल्कोहल है या कोई भी डिसइंफेक्टेंट है, डेटॉल है, उसको आपने यूज करना है ताकि उस एक क्लीन एनवायरनमेंट में आप काम कर सको। ठीक है, दूसरा, ये पेंसिल्स, फिंगर्स वगैरह कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आपने मुंह में नहीं लेना ड्यू टू कंटेमिनेशन, कंटेमिनेटेड होती है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक या फूड आइटम जो है आप लैब के दौरान नहीं, लैब में नहीं ला सकते। ठीक है, उसके अलावा ठीक है जी, एक चीज होती है वायर लूप। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वायर लूप। तो जो वायर लूप होते हैं हम यूज करते हैं फॉर इनोकुलेटिंग द ऑर्गेनिज्म। कोई भी हम ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल ग्लास स्लाइड पे बैक्टीरिया को लगाना चाहते हैं तो हम वायर लूप की मदद से जो है यूज करते हैं, या नीडल होती है, वायर लूप हम ज्यादा तो यूज करते हैं, तो वायर लूप हम यूज करते हैं फॉर इनोकुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट टेस्ट ट्यूब रैक्स होते हैं, कोई भी डिस्कार्डिंग मटेरियल आपको पास मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बैक्टीरिया मिला है, ब्रॉथ में मिला है, जब आप उसको यूज कर लोगे तो उसको आप डिस्कार्ड लाजमी करोगे इन द डस्टबिन। और क्या चीजें हैं, इसी तरह से डिफरेंट कल्चर आपको मिल रहे होते हैं। क्या चीजें आपने लेनी है, लेबोरेटरी एप्रन,
या लैब कोट आपने ले लेना है लैब माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए, प्लस आपको लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजी लैब मैनुअल लेना भी जरूरी है। कुछ चीजें जो हमेशा आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, नंबर वन ग्लास लाइट। ग्लास लाइट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया स्पेशली जितने भी होते हैं या जो भी होते हैं, उनको आइसोलेट करने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे होते हैं, और जब तक ग्लास स्लाइड आपके पास नहीं होगी आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते थ्रू माइक्रोस्कोप। ग्लास मार्कर भी जरूरी है फॉर मार्किंग, आपको याद रखेगा कि अच्छा जी फला चीज में क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको कोई ग्लास स्लाइड दी जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको दो तरह के बैक्टीरिया दिए गए, इकोलाई भी दे दिया, बैसिलस भी दे दिया, अब आपने दो स्लाइड्स बना दी, अगर आपके पास मार्कर नहीं होगा, आप मार्किंग उसकी नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि आपने कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ लगाया था। तो मार्कर भी बहुत जरूरी है, परमानेंट मार्कर। उसके अलावा वायर लूप, वायर नीडल और मैच बॉक्स। मैच बॉक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं माइक्रो लैब में बर्नर ऑन करके करते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैच बॉक्स भी आपके पास हो। फिर कुछ इक्विपमेंट्स हैं, इसको हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लैब है माइक्रोबायोलॉजी लैब, उसमें हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, या इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, या इसे हम लाइट माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज, ठीक है। और माइक्रोस्कोपी वो स्टडी है जिसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज करने के और माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। उसमें जो हम इमेज देख रहे हैं, हम उसमें बैक्टीरिया देख रहे हैं या हम उसमें कोई और ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, उसको कैसे मैग्निफाई किया जा सकता है, उसको और कितना फोकस करके हम कितनी अच्छी रेजोल्यूशन, कितना मतलब अच्छी रेजोल्यूशन के साथ उसको देख सकते हैं, उसका क्या रेजोल्यूशन पावर है, क्या वो कितना मतलब कितना क्लियर हमें वो इमेज दे सकते हैं, ये सारी जो चीजें आ जाती है, ये सब माइक्रोस्कोपी या स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप में आ जाता है, ठीक है। एंट लिवन हुक की बात की जाए तो एंट लिवन हुक 1632 से 1723 तक उन्होंने जो है लेंसेज पर काम किया, सिंपल लेंसेज, फर्स्ट लेंस या फर्स्ट माइक्रोस्कोप कह सकते हैं इन्होंने बनाया टू आइडेंटिफाई द स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर। उन्होंने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ भी इसमें देखे थे, ठीक है। अब अगर माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो माइक्रोस्कोप के चार मेन कंपोनेंट्स हैं या चार कोर सिस्टम्स हैं माइक्रोस्कोप के, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम जो है इसमें चार चीजें आती है, नंबर वन इज फ्रेमवर्क, रिवॉल्विंग नोज पीस, स्टेज एंड मैकेनिकल स्टेज। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप पे जाते हैं, ठीक है। अब ये आपके आ गया माइक्रोस्कोप। तो इसका फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये इसका जो आर्म है जिससे आप इसको पकड़ते हो, आप इसको कैरी कर सकते हो, इसको लेकर जा सकते हो, ये आर्म कहलाता है जो कि सपोर्ट सिस्टम में आ जाता है। प्लस ये इसकी बेस आ जाती है जिसको आप अपने बेंच टॉप पर रखते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है सपोर्ट सिस्टम में आ जाएगा, एक तो ये इसका सपोर्ट सिस्टम में, एक इसका आर्म और इसका बेस आ जाएगा। इसके अलावा ये इसका स्टेज हो जाएगा जहां पर आप अपनी ग्लास स्लाइड रखोगे, ठीक है। और मैकेनिकल स्टेज, ये वो दो नॉब्स हैं जिसमें आप अपनी स्लाइड यहाँ पर फिक्स करते हो, तो इन दो नॉब्स के थ्रू जो है आप स्लाइड को मूव कर सकते हो आगे पीछे साइड में, जो है आप यहाँ पर अपनी जो है स्लाइड को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका माइक्रोस्कोप का सपोर्ट सिस्टम हो गया जिसमें आपका आर्म एंड बेस आ गया, और स्टेज ये हो गया। अब ये जो आर्म होता है, आर्म के साथ ही ये नोज पीस लगा हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट लेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर ऑक्यूलर लेंसेज लगे हुए हैं जिससे आप जो है देख सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है।
ठीक है। सपोर्ट सिस्टम में क्या आ गया, सपोर्ट सिस्टम ऑफ माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ मेन बॉडी कंपोनेंट्स, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में आपकी दो चीजें आ गई हैं आर्म एंड बेस आ गया, रिवॉल्विंग नोज आ गई जिसमें नोज रिवॉल्विंग रोज आ गई जिसमें चार तरह के लेंसेज लगे होंगे, स्टेज आ जाएगा और मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज क्या, वो दो छोटे नॉब्स हैं जिनसे आप मूव कर सकते हो अपने फ्रेम को, सॉरी स्टेज को। फ्रेमवर्क पर पढ़ लेते हैं, दे हैव ऑल द माइक्रोस्कोप हैव अ बेसिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड आर्म एंड बेस, ठीक है। आर्म और बेस जो होगा वो उसका फ्रेमवर्क में आ जाएगा। फिर स्टेज की बात कर लेते हैं, स्टेज इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट द ग्लास स्लाइड, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी ग्लास स्लाइड को फिक्स किया जाएगा, ठीक है। ग्लास स्लाइड फिक्स हो जाएगी, ये आपका सपोर्ट सिस्टम या स्टेज हो जाएगा। मैकेनिकल स्टेज क्या है, मैकेनिकल स्टेज these are used for clamping and moving the glass slide around the stage, ठीक है। यहाँ ये दो छोटे से knobs हैं, these are two knobs that are located below the stages known as mechanical stage control, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं revolving nose, revolving nose में क्या, it has a retractable devices which are attached three or more objective lenses by rotating the piece, अच्छा जी। तो चार चीजें आ गई आपके सपोर्ट सिस्टम में, नंबर वन इज आर्म एंड बेस, ठीक है, ये आपका फ्रेमवर्क हो गया। फिर ये स्टेज हो गया जहां आपकी आपकी स्लाइड यहाँ पर जो है फिक्स हो जाएगी, प्लस मैकेनिकल स्टेजेस हो गए, यानी ये दो छोटे नॉब्स हैं जो कि आपकी स्टेज को जो है या आपकी सॉरी जो ग्लास स्लाइड यहाँ पर अटैच हुई है उसको सपोर्ट करते हैं या उसको जो है मूव करने के लिए काम आते हैं। प्लस ये नोज, ये नोज पीस है जिसमें चार लेंसेज लगे होते हैं, यहाँ एक दो तीन और एक ये बड़ा वाला जो लेंस लगा हुआ है, ये चार डिफरेंट लेंसेज होते हैं विद डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है। तो ये सब आपका किसमें आ गया, सपोर्ट सिस्टम में आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम की बात हो गई। अब सेकंड सिस्टम क्या है इसका, सेकंड सिस्टम इज द मैग्निफिकेशन सिस्टम। मैग्निफिकेशन सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें आप जो इमेज देख रहे हो, आप जो ग्लास स्लाइड देख रहे हो उसकी जो इमेज बन रही है वो कैसे मैग्निफाई कर रहा है माइक्रोस्कोप, किस तरह से उसको मैग्निफाई कर रहा है। तो मैग्निफिकेशन सिस्टम में आपके दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, अदर वन कहलाता है ऑक्यूलर लेंसेज, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव लेंसेज कौन से हैं, ये वो लेंसेज हैं जो नोज पीस में है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया नोज पीस में चार तरह के लेंसेज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के होते हैं। इट इज फ्रॉम, अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आपका ग्लास स्लाइड होती है उसमें जो आपका स्पेसिफिक, अच्छा, जो बैक्टीरिया हमने ग्लास स्लाइड पे इनोकुलेट किया उसे हम स्पेसिमेन कह रहे हैं, ठीक है। तो आपका स्पेसिमेन या आपका जो सैंपल है उससे बहुत ज्यादा करीब तरीन होता है ये, ठीक है। आपने वही जो आपका स्टेज होगा वहां पर आपने ग्लास स्लाइड अटैच की, वहां फिक्स की और वहीं पर बहुत ही करीब उसके पास जो है जो लेंसेज होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द ऑब्जेक्ट और द सैंपल, इसलिए उनको ऑब्जेक्टिव लेंसेज कहा जाता है। देयर आर 3 to 4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज प्रेजेंट ऑन माइक्रोस्कोप, ठीक है, तीन हो सकते हैं, तीन से ज्यादा चार भी हो सकते हैं, और सबकी मैग्निफिकेशन पावर जो है डिफरेंट होती है। किसी की होती है 10, मैग्निफिकेशन पावर जो होगी वो 10 भी हो सकती है, 10, फिर दूसरी की होगी 45x, अदर वन इज 100x, ठीक है। इसी तरह से किसी में तीन होंगे किसी में चार होंगे, अगर 10x होगा तो उसको आप लो पावर भी कह सकते हो, 45x को आप हाई ड्राई कह सकते हो, और 100x को आप ऑयल इमर्जन कहते हो। हम ऑयल इमर्जन इसलिए कहते हैं इस लेंस को क्योंकि यहाँ 100x की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है इसकी, इसके लेंसेस की, उसमें हम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को वो हम लेंस तब यूज करते हैं जब हमने बहुत स्मॉल पार्टिकल, या लाइक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, इस वजह से उसको देखने के लिए हम जो है 100x मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं। प्लस हम क्या करते हैं, जब स्लाइड पर हमने बैक्टीरिया लगा दिया, इनोकुलेट कर दिया, एक ड्रॉप हम
ऑयल का भी डाल देते हैं, ठीक है। ऑयल का ड्रॉप क्यों डालते हैं, ताकि जो लाइट आ रही है वो सारी की सारी आपके, होता क्या है कि कोई आपने ये देखा होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में, आपको याद होगा इससे पहले अगर पढ़ा हो तो, आपने देखा होगा कि कोई भी सर्फ दो मीडियम होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एयर, ठीक है, और ये ग्लास है, ठीक है, ये दो मीडियम है। जब भी लाइट रे आती है तो क्या होती है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है, बेंड हो जाती है ना, बिल्कुल सीधी नहीं रहती। तो इसमें भी यही होता है कि ऑयल हम इसीलिए यूज करते हैं कि जो लाइट रेज बेंड हो रही है, वो सब की सब जो है आपके अः ऑब्जेक्टिव या आपके स्पेसिमेन की तरफ जो है उसके आपके लेंस की तरफ आ जाए, ताकि आप उसको अच्छी आपके सॉरी आपके सैंपल की तरफ जो है सारी डायरेक्ट हो जाए, ताकि आप उनको क्लियरली आप क्लियरली अपनी इमेज को देख सको। जितनी ज्यादा परफेक्शन के साथ सारी लाइट रेज आपके सैंपल पर आएंगी, उतना आप परफेक्ट इमेज देख सकोगे, ठीक है। तो ये था ऑब्जेक्टिव लेंसेज का ये काम होता है कि हम चार तरह के इसको दिखा देती हूँ आपको। ये है आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेस, ये नोज पीस है, रिवॉल्विंग नोज पीस है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। अगर आपने ये वाला लेंस यूज करना है या ये लेंस यूज करना है, तो इसके ऊपर बकायदा मैग्निफिकेशन पावर लिखी हुई है, जैसे अगर अगर आप ये देख सके तो इस पे 10x लिखा हुआ है, ठीक है, 10x या 45, ये 45 होगा, ठीक है, ये जो बड़ा वाला पीछे की तरफ नजर आ रहा है ये 100x होता है। तो 10x और 45x हम जब यूज करते हैं, जब हमें फंजाई को आइडेंटिफाई करना होता है, फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी होती है, तो हम 10x और 45x वाला यूज करते हैं। लेकिन 100x हम ज्यादातर तभी यूज करते हैं जब हमें माइक्रो फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है या बैक्टीरिया को देखना है, तो हम 100x यूज करते हैं। जबकि वायरसेस इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, इस वजह से हम उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे नहीं देख सकते, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं, तो वहाँ बेहतर नजर आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव लेंसेस, ये आपके क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंसेस, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑक्यूलर लेंसेस पर, ये आपके ऑक्यूलर लेंसेज हो गए। जैसे ऑब्जेक्टिव लेंसेज डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के होते हैं, ऑक्यूलर लेंसेज भी डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के होते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें डिफरेंट लेंसेज मतलब ये होता है कि एक लेंस भी लगा हुआ होता है, डिफरेंट लेंसेज भी यूज होते हैं, तो इनकी जो डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के जो डिफरेंट लेंसेज होंगे वो होंगे 4x, 10x और 12.5x, 16x, ठीक है। ये चार तरह के लेंसेज इसमें भी लगे हुए होते हैं। अब आप इनको अगर आपको फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने है, तो आप 12.5 से 16x तक इसको देख सकते हो। तो इसका टोटल मैग्निफिकेशन फिर क्या हो जाती है हमारी, टोटल मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूलर लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो मिला के आपके टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगी। लाइक अगर टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव लेंस की, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लेंस हम ले लेते हैं 10x, 10x लिया, मल्टीप्लाई बाय आपने जो है ऑक्यूलर लेंस भी जो है ऑक्यूलर लेंस फॉर एग्जांपल आपने 4 ले लिया, तो इक्वल्स टू टोटल मैग्निफिकेशन फिर आपकी क्या हो गई, 40x, ठीक है। तो यानी आपने कितना मैग्निफाई किया इमेज को, आपने अपनी इमेज को 40x तक मैग्निफाई कर लिया, यानी आपका स्मॉल जो फंजाई था या कोई स्मॉल पार्टी स्मॉल ऑर्गेनिज्म था जिसको आप अपनी आंखों से
वैसे नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी इमेज आपने बढ़ा दी, उसको और मैग्निफाई किया, कितना कर दिया, 1040x तक कर दिया। इसी तरह से अगर आप 100 फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया का कर रहे हो, तो बैक्टीरिया के लिए आप 100x लोगे ऑब्जेक्टिव लेंस का, और ऑक्यूलर लेंस कौन सा ले रहे हो, 12.5 फॉर एग्जाम्पल ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, टेन एक्स सॉरी 100x में ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, सो ऑन। तो ये जो है इस तरह से आपकी मैग्निफिकेशन पावर जो है इंक्रीज हो जाएगी, और आप उसको इमेज जो आप देख रहे हो वो मैग्निफाइड इमेज देखोगे। तो ये आपका दूसरा मैग्निफिकेशन सिस्टम हो गया। फर्स्ट सिस्टम क्या हो गया, सपोर्ट सिस्टम, अदर वन इज मैग्निफिकेशन सिस्टम। अदर नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आ जाते हैं इल्यूमिनेशन सिस्टम पर। ऑक्यूलर लेंसेज में दिखा देती हूँ आपको, ये आपके ऑक्यूलर लेंसेज हैं, ठीक है, ये आपका ऑक्यूलर लेंस है जहां से आप देखते हो। यहाँ पर भी आपको इसकी कुछ रीडिंग्स नजर आ रही होंगी, जो कि जिसमें आप जो है ये आपका जो है ऑक्यूलर लेंस है, इसमें रीडिंग नजर आ जाएगी जिसमें आप अपनी मैग्निफिकेशन पावर जो है लेंस की चेंज कर सकते हो। इसमें डिफरेंट लेंसेज होते हैं, ये भी रोटेटिंग होता है, ठीक है, ये रोटेट हो जाता है जिससे आप अपना लेंस चेंज कर सकते हो देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपके जो है ऑक्यूलर लेंसेज होंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आपका इल्यूमिनेशन सिस्टम पे। इल्यूमिनेशन सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर आपको माइक्रोस्कोप में कुछ भी देखने के लिए आपको लाइट जरूरी है, ठीक है, लाइट आना जरूरी है। अब वो लाइट सोर्स जो है आपकी दो तरह की हो सकती है, या तो वो इल्यूमिनेटर हो सकता है, यानी इल्यूमिनेटर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहां से लाइट निकल रही है, तो उसे हम इल्यूमिनेटर कह रहे हैं, या फिर वहां पर कोई छोटा सा मिरर लगा हुआ होगा जो कि क्या करेगा, बाहर की लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाए, आपके ग्लास लाइट तक रेज को डायरेक्ट करेगा, और फिर वहीं से जो रेज होंगी वो आपके आई पीस तक या ऑक्यूलर लेंसेस तक जाएंगी और फिर आपको नजर आएगा। तो इल्यूमिनेटर ये आपका इल्यूमिनेटर है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, यहाँ इसका एक बटन होता है, ठीक है, इसको ऑन करते हैं, यहाँ इसकी ये जो इससे लाइट कम ज्यादा आप कर सकते हो, आपको ज्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, लो इंटेंसिटी की लाइट चाहिए, इससे ये बटन है, ये ऑन हो जाएगा, फिर इससे आपकी लाइट आप कम ज्यादा कर सकते हो, तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से रोशनी आना शुरू हो जाएगी, ये लाइट जो है। फिर यहाँ एक छोटा सा पार्ट है, इसे हम कह रहे हैं कंडेंसर, ठीक है, ये आपका कंडेंसर है, लाइट यहाँ से जाएगी कंडेंसर में, फिर यहाँ पर आपकी क्योंकि ग्लास स्लाइड होगी तो यहाँ चली जाएगी लाइट, ड्रॉ कर देती हूँ, लाइट आपकी यहाँ से आएगी, इसको कलर चेंज, लाइट यहाँ से आएगी कंडेंसर में जाएगी, यहाँ से होती हुई यहाँ आ जाएगी लाइट, ठीक है, यहाँ आपका क्या है, यहाँ ग्लास स्लाइड है प्लस लेंस है, फॉर एग्जाम्पल हमने 100x का लेंस यहाँ फिक्स किया हुआ है, फिर वो लेंस से होती हुई यहाँ लाइट चली जाएगी, और फिर आपको यहाँ आपके ऑक्यूलर लेंस में जो है लाइट नजर आएगी। तो ये लाइट जो है यहाँ इल्यूमिनेटर से आ रही है, होते हुए वो ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी और फिर ऑक्यूलर लेंसेज में चली जाएगी। अगर यहाँ इल्यूमिनेटर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ लाजमी तौर पर एक मिरर प्रेजेंट होगा, ठीक है, मिरर प्रेजेंट होगा जिसकी एक साइड कॉनकेव होगी, दूसरी साइड कॉन्वेक्स होगी, तो वो उनका काम क्या है कि वो बाहर की जो सनलाइट आ रही है तो उस सनलाइट को डायरेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द कंडेंसर, फिर कंडेंसर से ग्लास लाइट की तरफ, ग्लास लाइट से
ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर आपको उसकी इमेज जो है ऑक्यूलर लेंसेज में नजर आएगी, ठीक है। तो ये पूरा जो है इसका प्रोसेस होता है, जिसमें ये इसका इल्यूमिनेटिंग प्रोसेस है। रिज्यूम कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई, इल्यूमिनेटर हो गया, कंडेंसर क्या होगा, इट डायरेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द लैम्प या इल्यूमिनेटर टू द स्लाइड बीइंग स्टडीड। कंडेंसर के अंदर ही एक चीज होती है डायफ्राम, ठीक है, वो डायफ्राम कंडेंसर के अंदर ही होती है। वो क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी आपको लाइट चाहिए, कितना फोकस करने के लिए आपको लाइट चाहिए, तो वो डायफ्राम का काम होता है। एक छोटा सा कर्लर रिंग लगा हुआ होता है जिससे आप डायफ्राम को चेंज कर सकते हो। ये एक छोटी सी एक पिन नजर आ रही होगी आपको, ये आपका जो है डायफ्राम चेंज करने के लिए एक कर्लर रिंग है, जिससे आप जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लाइट को जो है कंट्रोल कर सकते हो, कितनी आपको लाइट चाहिए फोकस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा मिरर आपको बता दिएगा, मिरर जो है हम यूज करते हैं। फिर लास्ट सिस्टम जो आ जाता है वो आ जाता है एडजस्टमेंट सिस्टम, ठीक है। एडजस्टमेंट सिस्टम में कुछ नॉब्स होती हैं, फोर्स एडजस्टमेंट नॉब, फाइन एडजस्टमेंट नॉब। फोर्स एडजस्टमेंट नॉब ये दो आपको जो बड़े, एक ये बड़ा नॉब नजर आ रहा है, ये आपका फोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, और ये जो है आपका छोटा सा ये आपका फाइन एडजस्टमेंट नॉब है। होता क्या है, जब आपने स्लाइड यहाँ रखोगे तो होगा क्या कि आप उसको जो है स्टेज को आप कोर्स एडजस्टमेंट नॉब यूज करोगे, एक टाइम आएगा जहां पर आपको कुछ हल्का सा ब्लर नजर आएगी कोई इमेज, ठीक है। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब यूज करोगे कि आपको कुछ इमेज दिखना शुरू हो, एक टाइम आएगा जब आप इसको रोटेट, ये रोटेट करता है, ठीक है, जब ये इसको रोटेट करोगे तो एक टाइम आएगा जहां पर आपको जो है ब्लर इमेज नजर आएगी। वो जो ब्लर इमेज होगी बस वही पॉइंट होगा, आपने इसको सेट कर दिया, बस इसी पॉइंट पे हमें देखना है। फिर अब आप यूज करोगे ये फोकस एडजस्टमेंट नॉब, ठीक है। फोकस एडजस्टमेंट नॉब का क्या होता है, ये जो ब्लर पिक्चर आपको यहाँ नजर आ रही है वो उसको बिल्कुल फोकस करके बिल्कुल शार्प एक इमेज दिखाएगा। तो ये दोनों जो होती है चीजें ये आ जाती है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, और ये आपका जो आ जाएगा फाइन एडजस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो नॉब्स हैं जो कि हम इस सिस्टम में यूज करते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द माइक्रोस्कोप, इट इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन फोकस व्हेन ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट और अ स्लाइड। ब्लर इमेज नजर आती है तो उसको हम बाद में फाइन एडजस्टमेंट से परफेक्ट फोकस के लिए यूज करते हैं। इसी तरह से जो ऑक्यूलर ऑक्यूलर लेंसेज में भी डायोप्टर एडजस्टमेंट रिंग होती है, आप ऑक्यूलर लेंसेज को रोटेट करते हो तो वहां आपकी इमेज एडजस्ट हो जाती है। फिर रेजोल्यूशन पावर क्या है, रेजोल्यूशन पावर वो है कि आपका आप मतलब कोई भी स्मॉल पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल अगर बैक्टीरिया की बात करी जाए तो बैक्टीरियल सेल्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अगर आप बड़े लेंसेज में अगर मैग्निफिकेशन पावर कम है या रेजोल्यूशन पावर कम है तो अगर दो बैक्टीरिया साथ में होंगे तो वो आपको दूर से भी मतलब वो आप उनको देखोगे तो वो आपको एक ही नजर आएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होगी, जितना हाई रेजोल्यूशन होगी, उतना वो आपकी इमेज को, उतने वो दोनों स्मॉल पार्टिकल्स को अलग करके दिखाएगा, ठीक है। वो बकायदा मतलब उस रेजोल्यूशन पावर अच्छी होगी तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो आपको एक नजर आ रहा है उसको भी फाइन इमेज दिखाएगा, उसको दो ही दिखाएगा, वो दो है और वो दो ही दिखाएगा, ठीक है। ये आपके रेजोल्यूशन पावर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द